तो गाइस जैसे कि बैंक्स यहाँ पर डिफरेंट क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कराती हैं, ऐसे ही दोस्तों आपको पेमेंट बैंक भी क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कराती हैं। अभी दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड के बारे में हम बात करने वाले हैं, वो है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं, साथ में दोस्तों कैसे इसको अप्लाई करना है, क्या आपके चार्जेस हैं, सभी कुछ हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव है, लास्ट तक वॉच कीजिएगा। अभी गाइस आप जैसे ही दोस्तों AU स्मॉल की फाइनेंस की वेबसाइट पर आप जाते हो, तो वेबसाइट पर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ पे काफी क्रेडिट कार्ड आपको देखने को मिल जाते हैं। हालांकि दोस्तों इनके बारे में मैं सभी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। दोस्तों यहां पे आप जैसे ही आ जाते हो, आने के बाद यहां पे तीन क्रेडिट कार्ड के बारे में बताया गया है, जो है पहला दोस्तों यहां पे AU स्मॉल बैंक का दोस्तों जैन। इसमें दोस्तों आपको यहां पे प्रीमियम लाइफ टाइम आपको लॉयन रॉयल्टी रिवॉर्ड आपको स्मॉल मिलता है। तो इस कार्ड में ज्यादातर यहां पे ज्यादा कुछ नहीं दिया गया, बट दोस्तों यहां पे जो है बीटा करके एक क्रेडिट कार्ड है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का, और तीसरा है अल्ट्रा प्लस अल्ट्रा, ठीक है। चार क्रेडिट कार्ड ये यहाँ पे AU स्मॉल बैंक यहाँ पे प्रोवाइड कराती है। अभी दोस्तों जिस क्रेडिट कार्ड के बारे में हम अप्लाई करने वाले हैं, उसका डायरेक्ट लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, कैसे आप AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का क्रेडिट कार्ड आप अप्लाई कर सकते हैं और क्या इसके चार्जेस हैं, वो भी हम जान लेते हैं। तो भाई जितने भी मैंने यहाँ पे चार क्रेडिट कार्ड बताए AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के, इन क्रेडिट कार्ड के अलग अलग काम होते हैं। दोस्तों जो पहले मैंने आपको बताया था AU जैन क्रेडिट कार्ड के बारे में बताया था, इसका दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं रेलवे लॉन्च एक्सेस के लिए दोस्तों ये बेस्ट माना गया है। इसमें तो आप यहाँ पे स्पेंड 1,00,000 रुपए अगर आप करते हैं स्पेंड, तो दोस्तों यहाँ पे 60 डेज के अंदर फर्स्ट 60 डेज में आप करते हैं तो आपको 10,000 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। यानी दोस्तों इनका बोलने का मतलब है जो जैन का क्रेडिट कार्ड है ना AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का, इसमें दोस्तों अगर आप 1,00,000 रुपए शुरू के 60 दिनों के अंदर स्पेंड कर देते हैं तो आपको 10,000 रुपए का आपको यानी 10,000 पॉइंट्स मिलते हैं, बोनस मिलता है रिवॉर्ड्स पॉइंट, जिनको आप क्लेम करके दोस्तों डायरेक्टली बाउचर ले सकते हो। बीटा क्रेडिट कार्ड में भी दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये भी यहाँ पे रेलवे लॉयल्टी एक्सेस स्टेशन इन इंडिया के लिए दोस्तों प्रोवाइड किया गया है, और इसमें दोस्तों यहाँ पे देखो एंजॉय सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए यहाँ पे ये फायदेमंद है। इसमें दोस्तों आप 1% फ्यूल सरचार्ज आपको देखने को मिलता है, साथ में दोस्तों इसमें ट्रांजेक्शन करने पे आपको 400 रुपये से 5,000 रुपये तक दोस्तों यहाँ पर रिवॉर्ड्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अल्ट्रा प्लस क्रेडिट कार्ड ये जो दोस्तों वही सभी क्रेडिट के वर्ग अलग अलग हैं। अभी दोस्तों हम चार्जेस के बारे में जान लेते हैं। तो चार्ज में जैन का जो क्रेडिट कार्ड आता है उसका दोस्तों 7,999 रुपये, तो ये मैं आपको दोस्तों बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा एक क्रेडिट कार्ड, ठीक है। दूसरा मिलता है बीटा का, इसमें भी आपको 2,999 रुपये यहाँ पे चार्जेस दिए गए, ये भी बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा। तीसरा मिलता है अल्ट्रा प्लस का 499 रुपये का, इस भी मैं नहीं करूँगा। तीसरा आता है अल्ट्रा, इसका दोस्तों यहाँ पे होता है 199 रुपये यहाँ पे साल का होता है, आप इसको कर सकते हो, ठीक है। और LIT का जो कार्ड क्रेडिट कार्ड मिलता है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का, इसमें आपको लाइफ टाइम के लिए क्रेडिट कार्ड आपको फ्री में मिल जाता है। तो अभी जो हम अप्लाई करने वाले हैं, डायरेक्ट लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, सिंपल है आपको इसको ओपन कर लेना है, ठीक। तो इसमें दोस्तों आपको 3 से 4 चीज़ों की जरूरत होगी, पहला आपका आधार कार्ड, दूसरा आपका पैन कार्ड, तीसरा आपकी बैंक पासबुक स्टेटमेंट 3 महीने का, और अगर आपके पास सैलरी स्लिप है तो सैलरी स्लिप ये आप दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों डायरेक्टली इस AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के क्रेडिट कार्ड को आप अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर पे आप आते हो तो डायरेक्टली मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है, जैसे लिंक पे क्लिक करोगे डायरेक्टली आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको वहाँ पे मोबाइल नंबर देना है, मोबाइल नंबर देने के बाद आपको पैन नंबर देना है, देन आपको यहाँ पे आई एग्री के ऑप्शन पे टिक करके आपको सिंपल सा कर देना है। फाइनली आपके रजिस्टर्ड नंबर पे OTP आएगी, OTP सबमिट करने के बाद वेरीफाई OTP के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, देन यहाँ पे आपको आधार कार्ड नंबर पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आपने आधार कार्ड नंबर देने के बाद उसके बाद आप OTP का ऑप्शन पर क्लिक किया, आधार पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगी, देन OTP आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद गाइस यहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से आपको डिलीवरी एड्रेस करके मिलेगा, तो आपके आधार कार्ड जो है ना आधार कार्ड के हिसाब से आपको डिलीवरी का अलग आपके जो भी मतलब कि पास में जो भी डिलीवरी का एड्रेस है वो आपको मिल जाएगा, तो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है नियरेस्ट जो भी आपका है। उसके बाद आपको नेक्स्ट का ऑप्शन पे क्लिक कर देना, और एक और ऑप्शन आता है अदर एड्रेस का, अगर अदर एड्रेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो वही जैसे ही एड्रेस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे सिंपल से कुछ इन्फॉर्मेशन और पूछेगी, वो सबमिट करने के बाद फाइनली दोस्तों यहाँ पे आपको टाइटल देना है, जेंडर सेलेक्ट करना है, आपको अपने क्रेडिट कार्ड पे नाम क्या चाहिए वो देना है, फादर नाम क्या है, मदर नाम क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन करेंट रेजिडेंटल एड्रेस नेशनलिटी, ये सभी देने के बाद आपको सिंपल सा नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन उसके बाद आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछा जाएगा, देन इंडस्ट्री पूछी जाएगी, और यहाँ पे ईयर्स ऑफ सर्विस कितने साल हो चुके हैं, और आपको यहाँ पे एड्रेस देना है। ये सभी करने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है, आई एग्री को ऑप्शन पे क्लिक जरूर से कर देना है। यस करने के बाद दोस्तों यस और नो को सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो वो आपको सेलेक्ट करना है। देन दोस्तों यहाँ पे पर्सनालिटी और पर्सनल नो का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, आई एग्री का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, देन उसके बाद आपको नेक्स्ट का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे 1,50,000 नहीं 1.5 लाख की लिमिट फाइनली यहाँ पे मुझे मिल चुकी है, जो भी मैंने क्रेडिट कार्ड अभी अप्लाई यहाँ पे किया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पाओगे, ठीक है। उसके बाद बस आपको यहाँ पे नेक्स्ट इस क्रेडिट कार्ड को ऑप्शन पे क्लिक कर देना, नेक्स्ट का ऑप्शन पे क्लिक कर देना, यहाँ पे पूरे आपके चार्जेस वगैरह बताए जाएंगे,
और किससे आपको अटैच करना है वो आपकी वीडियो केवाईसी होगी। एक चीज मैं बता दूं, आपकी वीडियो केवाईसी जैसी कंप्लीट हो जाती है आपके, मतलब कि जैसे एजेंट कनेक्ट होते हैं उसके बाद 3 दिन के अंदर फाइनली आपको फाइनल अप्रूवल मिल जाएगा कि आपको क्रेडिट कार्ड फाइनली आपको अप्रूवल किया गया कि नहीं। देन 7 डेज के अंदर आपके रजिस्टर्ड जो एड्रेस है उस एड्रेस पे वो क्रेडिट कार्ड आपने डिलीवर कर दिया जाएगा। और वर्चुअल जो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड होता है वो आपको तुरंत मिल जाएगा, जिससे आप यूएस स्मॉल फाइनेंस की बैंक यानी जो एप्लीकेशन होती है उससे दोस्तों आप यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हो। इस तरीके से दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड को आप अप्लाई कर पाएंगे, काफी बेस्ट क्रेडिट कार्ड है। तो ज्वाइनिंग फीस से आप मत घबराइए, क्योंकि दोस्तों ये इतना तो दोस्तों आपको फायदा मिल जाता है इस क्रेडिट कार्ड से। LIT जो भी क्रेडिट कार्ड है लिट का, उसमें लाइफ टाइम आपको फ्री मिलता है, दोनों क्रेडिट कार्ड आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन समझ पाएंगे। इस वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करना, अगर इस वीडियो रिलेटेड कोई प्रॉब्लम इशू है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमसे पूछ सकते हैं। तो वाइस आज के लिए नहीं मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।